most merciful. Dear students, today we are going to study story number 10, The Duchess and the Jeweler, written by Virginia Woolf. Virginia Woolf, इस कहानी के अंदर हमें दो चीजें बताती है वास्तव में. The first thing is age of change, that is called age of change. यानी जिस दौर में ये कहानी लिखी गई उस वो जो एज चल रही थी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उसको एज ऑफ चेंज कहते हैं. इट मीन्स के जो गरीब लोग थे वो अमीर हो रहे थे और जो अमीर लोग हैं वो गरीब हो रहे थे. तो ये चेंज की वजह से जो अमीर गरीब है वो अमीरी की तरफ जा रही है. द सेकंड थिंग वर्जीनिया वुल्फ डिस्क्राइब्स रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यू नो द लिटरेचर इज रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. के लिटरेचर क्या होता है कि वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, सोसाइटी को बताता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी. तो इसके अंदर ये दो चीजें बेसिक जो वर्जीनिया वुल्फ बताती है. और कहानी क्या चलती है, देयर आर टू मेजर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. द फर्स्ट वन इज द डचेस. डचेस इज द वाइफ ऑफ अ ड्यूक, यू कैन से. और एक नवाब की बीवी होती है या जो रानी होती है उसको डचेस बोलते हैं. एंड ज्वेलर, और एक जवाहर जो हीरे जवाहरात का काम करता है. इन दो के दरमियान एक सौदेबाजी होती है और उस सौदेबाजी के ऊपर ये कहानी लिखी गई है. और उसके अंदर क्या बातें बताई गई ये हम आज डिस्कस करेंगे. तो कहानी के अंदर जब हम कहानी पढ़ते हैं तो वी कैन डिवाइड दिस स्टोरी, दिस शॉर्ट स्टोरी इन टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज लाइफ ऑफ बेकन. ओलिवर बेकन इज अ नेम ऑफ द ज्वेलर. के ज्वेलर का जो नाम है वो क्या होता है कि ओलिवर बेकन. तो पहला जो पार्ट है शॉर्ट स्टोरी का वो इसकी लाइफ के ऊपर है कि ये लाइफ कैसे बताता है, कैसे हाउ हैज ही बिकम द रिचेस्ट ज्वेलर ऑफ लंदन. ये कैसे इतना अमीर बन जाता है उसके बारे में. सेकंड पार्ट है द इंसिडेंट ऑफ बाइंग और सेलिंग द पर्ल्स. वो जो मोती बेचने का एक वाक्य होता है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे ये आज हम सीखेंगे. तो लाइफ इसकी ऐसी शुरू होती है कि पहले क्या करता है, पहले पहल कि ये जो स्टोलन डॉग्स होते हैं, चोरी के कुत्ते होते हैं, ये बेचता है अमीर खवातीन को. वो जो चर्च के अंदर आती हैं, जो वेल्दी वेमन होती हैं, ये इनको बेचता है और अच्छे दामों बेचता है और इस तरह ये अपनी गुजर बसर करता है. दूसरा उन्होंने बताया कि वजीरे मुल्क ये बताती है कि ये जो सस्ती घड़ियाँ होती हैं, वॉचेज होती हैं, ये उन अमीर खवातीन को बेच के अपना गुजारा करता है. और फिर एक दिन ऐसा होता है कि इसके उस किसी सौदे के अंदर किसी लेन देन के मामले में इसके हाथ कुछ हीरे लग जाते हैं, इसके हाथ में हीरे आ जाते हैं और उस वाक्या से ये बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है. और फिर ये क्या करता है, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हार्ड वर्क होता है ये. तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अब क्या होता है कि ये बहुत बड़ा इंग्लैंड का जो है वो एक ज्वेलर बन जाता है. अब सेकेंड जो पार्ट है, जो सेकेंड एक इंसिडेंट है वो ये है कि ये जो डचेस है ये कुछ हीरे बेचने के लिए इसकी शॉप पे आती है, ज्वेलर की शॉप पे आती है. ये पहले उसको रेट करवाता है और फिर क्या होता है कि वो बाहर आता है और उससे हीरे खरीदता है. अच्छा, उस दौरान क्या होता है कि उसको बातों में लगाती है ये जो लेडी होती है. एक अहम पॉइंट इसको याद रखिए कि द डचेस हैज अ ब्यूटीफुल डॉटर एंड द ज्वेलर लव्स हर डॉटर. कि ज्वेलर जो है उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके करीब आना चाहता है, उसके साथ टाइम बिताना चाहता है. तो उसी सौदेबाजी के दौरान उसी टाइम जो है जो डचेस है वो दो किस्म के लालच उसको देती है. एंड जो ज्वेलर होता है ये ग्रीडी होता है, ये लालची होता है और इसकी नेचर भी ऐसी होती है कि ये लालच करता है और पैसा ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है. और इसके साथ साथ क्योंकि लहरे ये लव करता है इसकी बेटी से, इसको पसंद भी करता है, तो ये उसकी ग्रीड जाना चाहता है. तो उस के दौरान बेटी के दौरान क्या होता है कि पहले तो वो इन्विटेशन देती है कि हम आपको एक पार्टी में इन्वाइट करना चाह रहे हैं जहाँ पर और बहुत ज़्यादा अमीर लोग आएंगे. वो ये कहता है कि हाँ मुझे भी उसमें जाना चाहिए और ये एक इन्विटेशन देती है उस दौरान. और फिर कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ जंगल की तरफ भेज दूँगी ताकि तुम उसके साथ कुछ टाइम गुजारो, उसके साथ बातें बातें करो. तो ये इससे खुश हो जाता है. और फिर ये जो पर्स लेके आती है डचेस उसको बेचने के लिए, तो वो उसको बेच देती है और ये उसको चेक फौरन से लिख के दे देता है. हालांकि ये बड़ा तेज होता है, क्लेवर होता है, चालाक होता है और पर्स को ये जांच सकता है. शायद इसने जांच भी किया था कि ये फेक, वे फेक होते हैं, ये असल नहीं होते हैं, नकली होते हैं ये पर्स. लेकिन इसके बावजूद वो खरीद होते हैं और वो उसको चेक साइन करके दे देता है.
ये सारी कहानी है और इस कहानी में हम दो क्वेश्चंस ले सकते हैं, क्योंकि जाहिर है टू द पॉइंट अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के पहला जो क्वेश्चन हो सकता है ब्लीडिंग नेचर ऑफ द जिगर, जिगर की जो लालची होता है उसकी जो नेचर होती है उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह ये लालच के नशे में आके अपनी लाइफ के अंदर किस तरह चोरी की हुई चीज़ों को बेचता है, सस्ती चीज़ों को बेचता है और फिर कैसे अमीर बनने के लिए एक लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, जायज़ ना जायज़ जो भी इसके बस में होता है वो ये कर गुजरता है। इसके ऊपर आपने एक क्वेश्चन को अटेंड करना है। दूसरा है कि हाउ डिड शी डिसीव ओलिवर, कि कैसे वो उसकी ग्रीडी नेचर का फ़ायदा उठाती है और उसकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बेटी तक का टाइम जो है उसे दे देती है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ जाएगी, तुम उसके साथ बातें करना, उसके साथ वक्त गुजारना, क्योंकि वो जानती है कि शायद ये जिगर जो है वो उसकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और फिर उसको इन्विटेशन भी देती है कि तुम उस पार्टी के अंदर अंदर सारे अमीर लोगों के वहाँ पे, तो ये सारी बातें वो करती है। और एक दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड शी रिसीव ओलिवर, कैसे वो बातों में उसको लगा के वो ये समझ होती है कि शायद उसको पता नहीं है और वो भी शायद इस वजह से बात करना नहीं चाहता है क्योंकि वो दोनों चीज़ों को हासिल करना चाहता है। और फिर आखिरी में आपको बात करता है कि ये जो वीकेंड होगा ये बड़ा शानदार होगा, क्यों, कि इस वीकेंड में वो इसकी बेटी के साथ टाइम गुजारने जा रहा होता है। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी कोई और बात समझ नहीं आ रही है, कोई बात आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट में जाके या आप मुझे उस पर बात कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर भी करूँ और आपको और अच्छे अंदाज से उसको समझाने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच।